तो दोस्तों रिलीज होने जा रही है एक और ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म जिसके पहले दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा हिट हुए और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया यानी के जी एफ थ्री अब बात की जाए दोस्तों इस फिल्म की कहानी की तो ये फिल्म अब वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से के जी एफ का साम्राज्य ख़त्म होने वाला होता है और के जी एफ के लोग सबको छोड़ कर जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद रोकी भाई अब नहीं रहा वहाँ का एक आदमी सारी खबरें रोकी भाई को पहुँचाता है तो रोकी भाई किसी भी तरह काम जारी रखने को बोलते हैं और कहते हैं कि वो जल्द वापस आएंगे इससे पहले वो अपने कुछ दुश्मनों को मगर खत्म करना चाहता है इसलिए रोकी भाई अनायत से मिलने जाता है जो इन्हें देख कर डर जाता है क्योंकि उसे भी लगता है कि रोकी भाई शायद अब नहीं रहा उसे धमकी देता है कि के से अपनी नज़र हटा ले वरना अच्छा नहीं होगा और दूसरी तरफ रमिका जो कि रोकी भाई के के को केजीएफ को खत्म करने का सोच रही होती है तभी उसे पता चलता है कि रोकी भाई का ये बिजनेस और भी कई मुल्कों में कायम कर चुका है और बहुत से मुल्क यानी इंडोनेशिया और अमेरिका की पुलिस भी उसको ढूंढ रही है यानी इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी अब की बार बनाया जाएगा तभी रमिका इन तमाम मुल्कों के गवर्नर को खत लिखने का बोलती है ताकि रोकी भाई का तमाम बिजनेस हर जगह से खत्म करवा दिया जाए लेकिन रोकी भाई अब की बार सबसे पहले ही और बेहतर प्लान बना चुके होते हैं और एक ज़बरदस्त एंट्री मारेंगे इस फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो अब की बार भी आप लोगों को इस फिल्म के रवीना टंडन जो कि रमीका का रोल अदा करते हुए नजर आएंगी और साथ ही साथ संजय दाद जो कि अधीरा का रोल अदा करते हुए नजर आएंगे वो के जी एफ़ टू के लास्ट में बच जाएंगे और पार्ट थ्री में भी होंगे इसके साथ ही अब की बार जो हिरन आप लोगों को के जी एफ थ्री में देखने को मिलेंगी उनका नाम सिरनी होगा इस फिल्म में काफ़ी अर्से से रोकी भाई को वो पसंद करती होंगी लेकिन डर की वजह इन से इनसे नहीं मिलती होंगी फिर वो अचानक इनके सामने आएंगी जब वो मुसीबत में होंगी और रोकी भाई इनकी जान बचाएगा तो दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो इस फिल्म को सौ करोड़ के बड़े बजट से तैयार किया जा रहा है और ये फिल्म रिलीज़ कब होगी तो दोस्तों आप लोग को यह फिल्म जल्द देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इस पर अभी काम जारी है ये फिल्म दो सौ दो हज़ार पच्चीस में रिलीज़ की जाएगी साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलें कि लार के जी एफ का ही एक पार्ट है जो कि इससे अलग करके बनाया गया है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई फिल्म अपडेट के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें